हेलो हेलो लिसन नाउ वेयर टेक्स्ट बुक सी टिल नाउ व्हाट एल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं? व्हाट इज द रीजन टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स? टू रीजंस, राइट? व्हाट आर द टू रीजंस? नंबर वन, प्रॉफिट और लॉस. टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी बिजनेस, राइट? एंड नंबर टू, प्रॉफिट लॉस मतलब इनकम एक्सपेंस का रिजल्ट पूरे साल में क्या किया आपने, राइट? व्हाट इज नंबर टू? व्हाई डू वी मेक फाइनल अकाउंट? सेकेंड रीजन फॉर मेकिंग फाइनल अकाउंट इज वॉट? नो द वैल्यू ऑफ दिस. एक साल बाद आप किधर पहुंच? दैट इज द वैल्यू ऑफ योर एसेट्स एंड योर लायबिलिटी, राइट? सो दो रीजन से आप बनाते हो फाइनल अकाउंट, टू फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस एंड टू नो द वैल्यू ऑफ बिजनेस. आधे आधे चार सौ रुपए आज अभी पहला दिन है, कल से फाइन लागू होने वाले. चलो, सो टू रीजंस व्हाई डू वी मेक फाइनल अकाउंट्स. टू रीजंस, नंबर वन प्रॉफिट और लॉस एंड नंबर टू वैल्यू ऑफ द बिजनेस, दैट इज वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड योर लाइफ. प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए हम कौन से दो अकाउंट्स बनाते हैं? वी मेक ट्रेडिंग एंड पीएनएल. ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट अलग अलग क्यों बनता है वो भी हमने देखा. व्हाई डू वी मेक देम सेपरेटली? ट्रेडिंग में क्या रिकॉर्ड होता है? डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंस. व्हाट आर डायरेक्ट? इंपॉर्टेंट कोर मेन मेन इनकम एंड मेन एक्सपेंस. जितना वो आपका इनकम बढ़ेगा उतना ही ट्रेडिंग का एक्सपेंस बढ़ेगा प्रोपोर्शनेटली. आप 1,00,000 का सेल्स कर रहे हो, 60,000 का एक्सपेंस हो रहा है. 10,00,000 का सेल कर रहे हो, 6,00,000 का एक्सपेंस होगा. 1,00,000,000 का सेल करोगे, 60,00,000 का एक्सपेंस होगा. वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट वाला कोर एक्सपेंस. तो वो आप अलग से दिखा देते हो इन ट्रेडिंग अकाउंट. एंड पीएनएल में क्या दिखाते हो? इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट इनकम तो कभी होता है कभी नहीं होता है, मेनली इनडायरेक्ट एक्सपेंस. इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब लेस इंपॉर्टेंट एक्सपेंस, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, उसको आप कम भी करोगे तो भी दिक्कत वाली बात. बट ट्रेडिंग अकाउंट वाले खर्चे को आप ज्यादा छेड़खानी कर नहीं सकते, उनको ज्यादा आप कम नहीं कर सकते. गॉट इट? दैट्स व्हाई यू शुड ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा सेपरेट, पीएनएल का सेपरेट. ट्रेडिंग अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट मिलता है आपको? ग्रॉस प्रॉफिट. एंड पीएनएल से नेट प्रॉफिट, फाइनल नेट प्रॉफिट. और नेट प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? ओनर कैपिटल. कैपिटल जाता है आपका बैलेंस शीट में. व्हाट इज द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट शोज द वैल्यू ऑफ योर बिजनेस. एक साल के बाद आपका बिजनेस कितने का होगा? एक साल के बाद उसको बंद करोगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा? दैट इज द बैलेंस शीट. एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स. एक साल के ज्यादा वाले तो फिक्स्ड एसेट, एक साल से कम वाले तो करंट एसेट्स. लायबिलिटी मेनली दो टाइप्स की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब किसको देना बाकी है? ओनर. और एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले. बराबर है? अभी हाउ डू यू डिटरमाइन एन एक्सपेंस? ट्रेडिंग में जाना चाहिए कि पीएनएल? उसका महामंत्र क्या है? इफ एन एक्सपेंस इज रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन ऑफ, देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, अदरवाइज विल बी अ पार्ट ऑफ पीएनएल. यहां तक हमने देखा हुआ है लास्ट लेक्चर तक. सो आई थ्रो यू अ फ्यू आइटम्स, यू टेल मी वेदर दैट आइटम शुड गो अंडर ट्रेडिंग अकाउंट, अंडर पीएनएल अकाउंट और अंडर एसेट और लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट. ओके, यू टेल. परचेजेस, ट्रेडिंग डेबिट, बिकॉज इट्स योर बिगेस्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस. परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट, राइट? व्हाट अबाउट वेजेस? ट्रेडिंग डेबिट.
प्रोडक्शन रिलेटेड, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बिकॉज इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफिस वाला, नॉट रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन. एडवर्टाइजमेंट पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, समझ में आ रहा है. सेल्स रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड भी प्रॉफिट एंड लॉस. कैरेज, ओनली कैरेज ट्रेडिंग डे, ओनली कैरेज मतलब वो लाने का कर. कैरेज इनवर्ड्स ट्रेडिंग डे, कैरेज इनवर्ड्स मतलब भी वापस गुड्स लाने का कर. फ्रेट इनवर्ड्स ट्रेड, गुड्स लाने का कर. कैरेज आउटवर्ड्स पीएनएल, लेके जाने का. फ्रेट आउटवर्ड्स पीएनएल, लेके जाने का. अनलोडिंग चार्जेस, अनलोड ट्रेडिंग परचेज रिलेटेड. लोडिंग चार्जेस सेल्स रिलेटेड. फैक्ट्री एक्सपेंस ट्रेडिंग, फैक्ट्री वर्ड आ गया मतलब ट्रेडिंग. क्यों? फैक्ट्री इज यूज फॉर प्रोडक्शन, फैक्ट्री इज यूज फॉर प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस रहेगा इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ट्रेडिंग. इंटरेस्ट पेड पीएनएल, इंटरेस्ट पेड पीएनएल, फाइनेंस वाला, नॉट रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन, राइट. पावर फ्यूल गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, गैस वाटर मोटिव पावर फ्यूल चार्जेस ये सब फैक्ट्री में लगता है, दैट इज ट्रेड. हीटिंग एंड लाइटिंग ट्रेड, बट लाइटिंग एंड हीटिंग है तो लाइटिंग ज्यादा हीटिंग कम, तो इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल वो पीएल. हीटिंग ज्यादा फर्नेस वगैरह का हीटर्स का खर्चा दैट इज इन फैक्ट दैट विल बी ट्रेडिंग. फर्नीचर फर्नीचर एसेट, फर्नीचर इज एन एसेट, फर्नीचर इज एन एसेट. एक्सपेंस थोड़ी हो, एक साल में खत्म हो जाता है, लंबा चलता है. फिक्स्ड एसेट फर्नीचर इज एसेट. मशीनरी assets, computers assets, premises assets, buildings assets, motor car assets, but depreciation that is expense, that will be PNL. All depreciations would be PNL. All repairs renewals PNL debit. Repair maintenance renewal expense that is all PNL debit. Advertisement PNL debit. Bad debts कमीशन पेड पीएनएल, कमीशन रिसीव्ड पीएनएल क्रेडिट इनकम, पीएनएल क्रेडिट. इंटरेस्ट रिसीव्ड पीएनएल, रेंट रिसीव्ड पीएनएल क्रेडिट. सेल्स एक ही ऐसी इनकम है जो कोर इनकम है आपके बिजनेस की, मेन इनकम. व्हाट इज दैट मेन इनकम? फॉर अ ट्रेडर इट इज सेल्स. वी आर डूइंग ट्रेडिंग बिजनेस का फाइनल अकाउंट, ट्रेडर की मेन इनकम सेल्स. वो एक ही इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में जाए, बाकी सब इनकम्स पीएनएल. तो इनकम का तो ज्यादा दिमाग में टेंशन लेने वाला बात ही नहीं है. एक ही इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है दैट इज सेल्स. उसको छोड़ के जितनी भी इनकम्स है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, सेल ऑफ स्क्रैप, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब किस में जाने वाले? पीएनएल. दैट क्लियर? उसके बाद मुझे बताओ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस. क्लियरिंग किस में जाता है? ट्रेड रिलेटेड, इंपोर्ट रिलेटेड. फॉरवर्डिंग सेल्स रिलेटेड, सो पीएनएल. गॉट इट? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग. वेजेस एंड सैलरीज दिया है तो ट्रेड, बट सैलरीज एंड वेजेस दिया है तो पीएनएल. डिस्काउंट अलाउड दिया है तो पीएनएल. डिस्काउंट रिसीव्ड दिया पीएनएल क्रेडिट. इनकम एक्सपेंस है तो इधर, इनकम है तो क्रेडिट. दैट क्लियर? लोन टेकन लायबिलिटी, लोन टेकन इज लायबिलिटी. लोन टेकन आर लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बैंक लोन. कैपिटल ड्रॉइंग्स, कैपिटल में से माइनस, कैपिटल को कम करता है, लेस फ्रॉम कैपिटल. क्रेडिटर्स
Liability. Bills payable. Liability. Bills receivable. Assets. Debtors. Assets. Creditors. Liability. Bills receivable. Assets. Bills payable. Liability. आना बाकी है, देना बाकी. Loan given. Assets. Loan taken. Liability. Prepaid expense. Assets. Outstanding expense. Liability. देना. Income receivable. Assets. Income received in advance. Liability. Benefit देना. Investments. Assets. Shares. Bonds. Debentures. Fixed deposits. All are investments. All are assets. Furniture. Assets. Building. Assets. Factory rent. Liability. Trading debt. Factory rent. Rent. Expense. Factory guy. So trading debt. Normal rent. Only rent rates taxes normal. But factory rent rates taxes. Only insurance. Normal insurance. That is insurance premium. General insurance. Factory insurance. Trading debt. Normal electricity. P&L. Factory electricity. Trading debt. Normal rent. P&L. Factory rent. Trading debt. Is that clear? So let's start with the problem now. उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी. Yes, adjustment. Adjustments क्या होते हैं? Adjustments are unrecorded transactions. Adjustments are what? Unrecorded transactions. अभी तक आपने record नहीं. उसको आप कौन से stage पे enter करते हो? Final account stage. Direct entry. तो unrecorded entry है. तो दो effect होंगे कि एक. दो. One debit. One credit. उसको directly घुसाते हो final account में. That's why they are called as adjustments. उसमें एक देखा था हमने closing stock. Remember what was closing stock? What is closing stock? इस साल का बचा हुआ माल, बचा हुआ स्टॉक कब बेचोगे? नेक्स्ट ईयर. वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बने, बराबर. बट ये साल जो बच गया, इज इट करंट ईयर्स एक्सपेंस और नेक्स्ट ईयर्स एक्सपेंस? इस साल आप क्या करोगे? हटा दोगे एक्सपेंस. याद है हमारे एग्जांपल में 10 मोबाइल खरीदे थे और 9 मोबाइल बेचे थे, एक मोबाइल बच गया था, यू रिमेम्बर दैट? वो एक मोबाइल का कॉस्ट प्राइस था 4000, तो क्या 4000 ही आपका क्लोजिंग स्टॉक था? नहीं, उसके ऊपर और भी क्या है? प्रोपोर्शनेट कैरेज, प्रोपोर्शनेट वेजेस, सब प्रोपोर्शनेट खर्चा है. वो सब खर्चा आपको ये साल से निकालना पड़ेगा. क्यों? अगले साल बेचने वाले हो तो खर्चा भी कौन से साल में दिखाने का? नेक्स्ट ईयर में दिखाने का. ऐसा ड्यू टू विच कंसेप्ट? मैचिंग. बोला मैचिंग, वेरी गुड. What is matching concept? Match your expenses with your income. इस साल में आप वही सेल्स दिखाते हो जितने का माल, मतलब जो बेचा, जो गुड्स आपने बेचा, वही परचेज में वही सेल्स में दिखना चाहिए. जो बिका ही नहीं है वो ये साल का परचेज सेल में दिखना, वो कभी दिखेगा? नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर का परचेज, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस और नेक्स्ट ईयर का. बात समझ में आई? इस साल जो बिका है वही परचेज में दिखेगा, जो बिका ही नहीं वो परचेज में दिखने वाला नहीं है. तो जो नहीं बिका, जो नहीं बिका इस साल बच गया, उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग. और याद है हमारे एग्जांपल में 4000 तो ओरिजिनल वैल्यू थी, उसके ऊपर कुछ वेजेस का 400 था और कैरेज का 300 था, तो टोटल आपका वैल्यू था 4700. ये हुआ आपका क्लोजिंग स्टॉक. इसको आप जान बूझ के एडजस्टमेंट्स है ना, एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या? अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस. तो कोई कोई एडजस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप भूल गए रिकॉर्ड करना, भूल गए हो और फाइनल अकाउंट्स के स्टेज पे उसको रिकॉर्ड करते हो. बट कोई कोई एडजस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप जान बूझ के नहीं करते. क्या बोला सुना? कोई कोई एडजस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप भूल गए और आप फाइनल अकाउंट स्टेज में एंटर कर देते हो. दो इफेक्ट देखे, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड करो. कोई कोई एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं जो आप जान बूझ के ऑन पर्पस लास्ट डे तक पेंडिंग रखते हैं, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक आप जान बूझ के, याद है जब ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तभी भी मैंने आपको बोला था, ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी क्लोजिंग स्टॉक दिखता नहीं.
क्योंकि वो एंड डेट पे 31 मार्च को आप वैल्यू करते हो. कैसे वैल्यू करते हो? यू रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक 4700 है अभी. ये जो आपका एक मोबाइल है उसका खर्चा हुआ इतना, ये बच गया है, बिका नहीं है. ये आप नेक्स्ट ईयर बेचोगे सपोज 9000 रुपीज, 8000 या 9000 में बेचने वाले हो इस मोबाइल, तो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि लॉस? प्रॉफिट ही होगा ना. तो अभी आप कितने पे रिकॉर्ड कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक? 4700. कोई दिक्कत वाली बात? लेकिन आपको पता चले फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त, क्या पता चले कि भैया क्लोजिंग स्टॉक अभी तो 4700 का है, बट नेक्स्ट ईयर आप जब बेचने जाओगे तो उसका भाव सब टूट गया है और 3000 में ही बिकेगा. कितने में बिकेगा? 3000. तो आज ही आप इसकी वैल्यू कितनी कर दोगे? 3000. एंड यू विल रिकॉर्ड दिस क्लोजिंग स्टॉक नॉट एट 4700 बट एट 3000. याद है मैंने एग्जांपल अगर किया था, तो आपके इससे क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो प्रॉफिट, मतलब 1700 से आपका प्रॉफिट कम. 4700 की जगह कितना रिकॉर्ड किया आपने? 3000. तो आपका जो लॉस फ्यूचर में होने वाला था 1700 का, वो लॉस अभी हो. दिस इज ड्यू टू विच कंसेप्ट? फ्यूचर लॉसेस को एडवांस में क्यों दिखाना है? कंजर्वेटिव. दिस इज ड्यू टू कंजर्वेटिज्म. क्या बोलता है आपको समझना है क्या हुआ? ये जो मोबाइल फोन है इसका कॉस्ट कितना है? 4700. नेक्स्ट ईयर बेचने जाओगे ना तो 3 में बिकेगा, 3000. इज इट गोइंग टू बी अ प्रॉफिट और अ लॉस? ऑफ 1700 का लॉस होने वाला है. मालूम है आपको 1700 का लॉस होने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो आप रुकोगे नहीं नेक्स्ट ईयर के लिए. आप अभी क्या करोगे, ये नहीं दिखाओगे क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखा दोगे? 3000. सीधा 3000 ही रिकॉर्ड करोगे. 3000 कर दिया वैल्यू तो इनकम कम हो गई इनडायरेक्टली आपकी, आपका प्रॉफिट कम होगा. अभी वो 1700 का लॉस एडजस्ट हो जाएगा. तो जो लॉस नेक्स्ट ईयर दिखने वाला था वो लॉस अभी दिख, अभी वो 3000 का है. नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बन के जाएगा 3000 का और बिकेगा भी 3000. तो नेक्स्ट ईयर देयर इज गोइंग टू बी नो प्रॉफिट और नो लॉस. फ्यूचर वाला लॉस आपने ये साल ऑलरेडी दिखा दिया. कुछ एक्स्ट्रा फायदा नुकसान नहीं हुआ, क्या हुआ खाली जो लॉस नेक्स्ट ईयर होने वाला था वो लॉस ये साल दिखा. ये आप क्यों करते हो? ड्यू टू कंजर्वेटिव. ये ऐसा माइंड ऑफ, ये जनरल साइकोलॉजी रहता है, पब्लिक का नॉर्मल साइकोलॉजी रहता है. आप फ्यूचर का झटका अभी दे दो और फ्यूचर में झटका नहीं हुआ तो खुश रहेगा पब्लिक, लेकिन अभी अच्छा अच्छा बोलो और फ्यूचर में झटका दो तो गाली दे. तो इसलिए कोई भी बिजनेस क्या करता है, फ्यूचर में उसको दिख रहा हो कुछ लॉस होने वाला है तो वो क्या करेगा? अभी दिखा देगा, फिर फ्यूचर में वो लॉस नहीं होगा. अभी दिखा दिया ना, इसके लिए नहीं दिखेगा. समझ में आई? तो ये रीजन से आप क्लोजिंग स्टॉक है ना बीच में वैल्यू नहीं करते, एकदम 31 मार्च तक आप रुकते हो. फाइनल अकाउंट रेडी हो गया, फिर आप 31 मार्च को कंपेयर करते हो कि हाँ मार्केट में क्या भाव चल रहा है और अपना भाव क्या है. अपना भाव है 4700, मार्केट में भाव चल रहा है 8000, मतलब बेचोगे तो 8000 में बिकेगा. तो फिर आप क्या भाव पे रिकॉर्ड करोगे क्लोजिंग स्टॉक? 4700. फ्यूचर में प्रॉफिट एडवांस में दिखाने का नहीं, फ्यूचर का ऐसा नहीं हो जाएगा कि 8000 में बिकेगा तो 8000 दिखा दो अभी. नहीं, प्रॉफिट्स कभी एडवांस में दिखाने का नहीं. हाँ, अगर आपका 4700 का कॉस्ट और बिकने वाला है 3000, अभी 3000 का दिखा, 1700 का लॉस एडजस्ट कर अभी. क्या बात समझ में आई? तो ये होता है कंजर्वेटिज्म. तो कभी एडवांस इनकम नहीं दिखा देगा, एडवांस लॉस हो रहा है तो आप दिखा दो, एडवांस इनकम कभी दिखाने का. इनकम तभी रिकॉर्ड करने का जब एक्चुअली बेच के सेल हुआ, रोकड़ा हाथ में आया, तभी रिकॉर्ड होने. एडवांस में दिखाने का, हवा का इनकम कभी दिखाने का नहीं. एनरॉन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद है? एनरॉन बिगेस्ट डिजास्टर स्कैम इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा स्कैम, $70 बिलियन. उतना बड़ा स्कैम, वो क्या किया उस कंपनी ने? 10 साल का इनकम, फ्यूचर का 10 साल का इनकम इस साल में दिखाई, जो बुक्स में था, मतलब ऑन पेपर भी नहीं था, हवा में था, बातचीत हुआ था कि हम आपको 10 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फ्यूचर में धंधा मिलेगा, काम होगा. उसने क्या किया, 10 साल का फ्यूचर का इनकम ये साल में रिकॉर्ड करके दिखा दिया, प्रॉफिट बता.
सही क्या कि गलत? लेकिन काम हो गया उसका, शेयर प्राइस बढ़ते गया, $10 वाला शेयर $90 हो गया 2 साल में, फिर रेड वेड पड़ा, सेबी आया, मतलब उधर SEC आया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, बुक्स ऑफ अकाउंट देखा, साला ये तो खोखला है, अभी तो कुछ डील हुआ नहीं है, फ्यूचर का 10 साल में कभी होने वाला है, और अभी से पूरा का पूरा इनकम दिखा के रख दिया। वो सब मालूम पड़ा एंड देन पीपल रियलाइज, पीपल स्टार्टेड डंपिंग द शेयर्स, एक दिन में $90 वाला शेयर प्राइस हो गया $6.5। दिस इज अ क्लियर वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, आर यू अंडरस्टैंड? तो बिजनेस में कभी भी याद रखने का, इनकम कभी हवा वाली इनकम दिखाने की नहीं, इनकम आप कभी रिकॉर्ड कर सकते हो वो सर्टन होनी चाहिए, सर्टन इनकम ही रिकॉर्ड होनी चाहिए, अनसर्टन इनकम रिकॉर्ड नहीं होगी। सर्टन मतलब क्या? अमाउंट सर्टन होना चाहिए और इनकम सर्टन होना चाहिए, मतलब आपने माल बेचा, इनवॉइस बन गया, डेटर के पास माल पहुंच गया, दिस इज सर्टन इनकम, तब आप रिकॉर्ड कर सकते हो। हवा में नहीं, डेटर ने ऑर्डर प्लेस किया और आपने इनकम रिकॉर्ड कर दी, सही किया? ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है, ऑर्डर कैंसिल भी तो हो सकता है, तो सर्टन अभी तक नहीं, इसीलिए ये कंजर्वेटिज्म लाया गया है कि लॉस हुआ तो देखा, क्योंकि अभी भले ही आपने 3,000 पे स्टॉक दिखाया, फ्यूचर में बिक रहे तो सपोज 4 में भी बिका, 5 में भी बिका, प्रॉफिट हुआ तो किसी को गुस्सा आता है? तो फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ तो कोई गुस्सा करने वाला नहीं है, लेकिन फ्यूचर में लॉस हुआ तो पब्लिक मारेगा, अगर आपको मालूम था तो पहले से लॉस दिखाना जरूरी है। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट व्हाट प्राइस? सिंपल 100 बात की एक बात, क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, विच एवर इज दैट इज शोन एज अ एडजस्टमेंट। लास्ट डे पे आप एंटर करते हो फाइनल अकाउंट। अभी हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं, सब लोग आ जाओ पेज 114 पे। हाँ बोलो। हम ना एवं ना कह सके कि 3,000 से अगर मने नहीं देखा, मैं 2,000 को देखा ही तो मतलब सब लोग नहीं सके ना। 3,000 का तुमने 2,000 करके दिखा तो मतलब और लॉस दिखा दिया, और नेक्स्ट ईयर जब भी बेचा ना तो 3 में बिका ना तो 1,000 रोकड़ा लेने का, 2,000 चेक मिले, तूने सेल 2,000 का ही बताया, नेक्स्ट 1,000 तेरा घर पे चल, ऐसा आइडिया मैंने तेरे को नहीं। पेज नंबर 114, दिस इज द बिगेस्ट झोल, ये जो मैंने तेरे को बोला ना ये मेन झोल होता है कंपनीज का, परचेज और सेल कैश में लेके दिखाते ही नहीं, या हायर प्राइस कोट करके कम प्राइस में धंधा कर लेते हैं। वही 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 जो व्हाइट का होता है उसका बिल बनता है, ब्लैक का होता है उसका बिल नहीं बनता, तो ये झोल बहुत सारे कंपनीज करते हैं, घर पे पैसा लेके जाए टैक्स भरे बिना। तुम लोग ऐसा करना मत, इसके लिए एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूं।